मैं मंदिर दे विच अल्लाह अल्लाह खांगी, मैं गुरुद्वारे विच नाम राम दा बोलांगी, मैं कर खुदा दे जाके बालों मोमबत्तियां, मैं ईसु दे कर जाके रोजा खोलांगी। एक दा पाठ है पढ़िया एक नू जपदी हां, नानक दीती हां तेरा तेरा तोलांगी, नानक दीती हां तेरा। जय राम। गुरु नानक के बहनोई सुल्तानपुर के गवर्नर नवाब दौलत खान लोधी के दीवान यानी प्रबंधक के रूप में सेवा कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि जयराम और राय बुलार दोनों का मत था कि गुरु नानक एक संत थे जिनके साथ उनके पिता ने दुर्व्यवहार किया था, और इस तरह जयराम ने उसके लिए सुल्तानपुर में नौकरी खोजने का वादा किया। गुरु नानक की बहन अपने छोटे भाई के प्रति गहरी समर्पित थी। तलवंडी की अपनी वार्षिक यात्रा पर जब उसने अपने भाई की सांसारिक गतिविधियों के प्रति उदासीनता पर अपने पिता की अधीरता को देखा तो उसने उसे सुल्तानपुर ले जाने का फैसला किया। उसके पिता ने इस उम्मीद में अपनी सहमति दी कि वह एक अच्छा पेशा चुनेगा। जयराम ने गुरु को नवाब के राजकीय अन्न भंडार के भंडार का पद दिलवाया, जहां भू राजस्व के हिस्से के रूप में अनाज एकत्र किया जाता था और बाद में बेचा जाता था। गुरु ने भंडारी के कर्तव्यों का बखूबी निर्वाह किया। संगीतकार मर्दाना बाद में गुरु से जुड़ गए और अन्य दोस्तों ने भी उनका अनुसरण किया। गुरु नानक ने उन्हें खान से मिलवाया जिन्होंने उन्हें अपने प्रशासन में उपयुक्त नौकरियां प्रदान की। हर रात शबद कीर्तन होता था। एक दिन वो सामान तोल रहा था और एक एक तोल गिन रहा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। जब वो 13 पर पहुंचा, जब संख्या 13 आई, तब 13 यानी पंजाबी का 13, और पंजाबी में 13 का अर्थ है मैं तुम्हारा हूं, यानी भगवान को कहा जा रहा है मैं तेरा हूँ। जब 13 तक पहुँच गया तो वो ध्यान में चला गया। गुरु नानक 13, 13, 13 कहकर तोलते चले गए। वो प्रभु की कृपा को नहीं समझ सके। अंततः स्थिति नवाब दौलत खान तक पहुँची, जब गुरु पर यह आरोप लगाया गया कि वो लापरवाही से अनाज दे रहे हैं। नवाब ने एक जाँच का आदेश दिया जो बहुत सावधानी से आयोजित की गई थी। जब भंडार भरे मिले तो गुरु के निंदक चकित रह गए। वास्तव में खातों ने गुरु नानक के पक्ष में ही एक अतिरिक्त अधिवेश दिखाया। तो ये थी कहानी गुरु नानक के 13-13 की, यानी जो कुछ भी है वो सब तेरा है, जो कुछ भी है